वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. मिले कहाँ से मिले, कहता है वो कोई बड़ा तोप का गोला भिखारियों को कौन मिलता है। वो यार वो खुद कहता है कि मैं जिधर मांगने जाता हूँ लोग यही समझे भिखारी आ गया। वो जो खुद भी याद हो रहा था, हमारे पीएम ने खुद ये बात बोली नहीं। और भाई साहब अमेरिका में गया है, वहां से कचरा जहाँ से निकालते उधर से निकलता रहे, ताकि अगर सामने गेट से निकलूं तो कोई पाकिस्तानी सामने से मुझे भाई साहब चोर का बच्चा भिखारी गालियां ना दे मुझे, वो सामने से निकलता ही नहीं रहा। और अब देखो वीडियोस आ रही हैं, अकेला जा रहा है भाई साहब एयरपोर्ट पे, ना किसी से मिला, ना अमेरिकन लीडर से मिला, ना किसी यूरोपियन देश से मिला, किसी से नहीं मिला, किसी ने मुंह भी हमें नहीं लगाया। यार देख ले, किसी अमेरिकी डिप्लोमेट ने इसको मुंह नहीं लगाया, मिला ना बाइडन ना कोई भी। चलो बाइडन तो बहुत बड़ी चीज है ना, कोई आम मंत्री भी नहीं मिला बाबा। भाई साहब व्हाइट हाउस का चपरासी भी नहीं मिला भाई साहब। लग ये रहा है कि पाकिस्तान भी एक नया ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि चाइना रशिया ईरान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है, पाकिस्तान के हेड डिफेंस मिनिस्टर थे, बाकी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से कटोरा लेके चले जाते हैं कि भैया हमारा कटोरा खाली है इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। बात ये है कि लीडर तो ये है ही नहीं। देखिए ऑलरेडी कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो हमें इनवाइट करे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने आके मांगना और कोई दूसरा काम नहीं करना। आप किसी घर में बार बार मांगने के लिए जाए ना तो अगली दफा वो घर वाले दरवाजा नहीं खोलते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि हमें कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता, और जब हमें कोई बुला लेता है तो हमें यही नहीं पता होता कि हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे करना है। सर सोशल मीडिया पे हमारा तमाशा बन के रह गया है। दो दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब गए, उनका वेलकम आप देखें। आप चेक करें कि पिछले चार सालों के अंदर हाउ मेनी पाकिस्तानीज हैड एन एक्सेस टू व्हाइट हाउस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तक, कितने लोगों की एक्सेस, किसी की एक्सेस नहीं। ये देखो ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दैट इज वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज़ व्हाइट हाउस का हां स्टेट डिपार्टमेंट के साथ पाकिस्तान की एक्टिव रिलेशनशिप है, वो एक्टिव रिलेशन है, उसकी वजह ये है कि स्टेट को क्या दे दे, क्या देने की सलाहियत रख दो, क्या बातें करने की सलाहियत रख दो, हम दुनिया को भिखारी देने की ताकत रखते हैं भाई। पैसे ज्यादा थे तो यार गरीबों की मदद कर देते, लोग तो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, वहां भी दे देते गरीबों, यार बार बार बद्दुआएं ले रहे हैं उनकी, बद्दुआएं ले रहे हो, चलो प्राइवेट चार्टर जहाज पे चलो। नहीं लेकिन उसमें आरजू मैंने बताया कि मेरे मैं एक पॉलिटिकल असाइली, मैंने यहाँ पॉलिटिकल। दोस्तों पाकिस्तान वालों की इस समय सबसे बड़ी बेइज्जती हो चुकी है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 5 दिनों की अमेरिका की विजिट के ऊपर गए थे, परंतु एक भी अमेरिका का लीडर, चाहे अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार हो या फिर कोई मंत्री ही क्यों ना हो, उसने अभी तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की है, जिसके कारण से शहबाज शरीफ मुंह लटकाए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आइए इसके ऊपर पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है उसकी लीडरशिप है, कोई अमेरिकन लीडर टिल नाउ अभी तक उनको कोई नहीं मिला। देख ले मेरा ख्याल है सुबह या आज प्राइम मिनिस्टर वापस जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, अगर मैं इस हवाले से मजीद कंफर्म कर सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की आज कोई अमेरिका के अंदर मीटिंग हो रही है, सुने कि वो 27 तक नहीं है, लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं हमारे पास वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर किसी से मुलाकात नहीं। पाकिस्तानी वजीर आजम ने जरूर यूनाइटेड नेशंस में जिक्र किया है, कश्मीर का सुनने में आया 16 दफा कश्मीर का, 16 दफा इंडिया का जिक्र 12 दफा पाकिस्तान ने जो है वो किया है। सो इट मीन्स कि ये जो पाकिस्तान के दिमाग के ऊपर जो जो जैसे कहते हैं ना कश्मीर और इंडिया वो मौजूद है। हाँ मुसलमानों का जिक्र कोई नहीं किया, सुना है क्या, सिर्फ 3 दफा जिक्र किया है मुसलमानों का। इट मीन्स के पाकिस्तान जो है वो ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी को या मुस्लिम ब्रदरहुड को अहमियत नहीं देता, गो के पाकिस्तान जो है वो जैसे कहते हैं ना कि ये समझता है कि वो ऐसी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फॉर अ मोमेंट किसी ने इस चीज को अहमियत वहां पे नहीं दी। अब जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है उसमें ये है कि अगर अमेरिकन लीडरशिप में से स्टेट डिपार्टमेंट में कोई भी पाकिस्तान को नहीं मिलता,
प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कोई भी नहीं मिलता, तो इट मींस के एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान जो है उसकी बड़ी रेलिवेंस हुआ करती थी, पाकिस्तान की बड़ी रेलिवेंस हुआ करती थी। आज पाकिस्तान की बड़ी रेलिवेंस कोई नहीं है। एक वक्त है कि जब पाकिस्तान के लीडर्स जो थे वो अमेरिका आते थे तो सारे पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, लेकिन आज वो नहीं आते। जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भैया हमारा कटोरा खाली है इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। बात ये है कि लीडर तो ये है ही नहीं। सर देखिए, ऑलरेडी कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो हमें इनवाइट करे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने आके मांगना और कोई दूसरा काम नहीं करना। आप किसी घर में बार बार मांगने के लिए जाए ना, तो अगली दफा वो घर वाले दरवाजा नहीं खोलते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि हमें कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता, और जब हमें कोई बुला लेता है तो हमें यही नहीं पता होता कि हमने अपने मुल्क को रीप्रेजेंट कहां से मिले। कहता है वो कोई बड़ा तोप का गोला, भिखारियों को कौन मिलता है वो? यार वो खुद कहता है कि मैं जिधर मांगने जाता हूँ लोग यही समझे भिखारी आ गया। वो जो खुद भी याद हो, हमारे पीएम ने खुद ये बात बोली थी। और भाई साहब अमेरिका में गया है, वहां से कचरा जहाँ से निकालते उधर से निकलता रहा, ताकि अगर सामने गेट से निकलूं तो कोई पाकिस्तानी सामने से मुझे भाई साहब चोर का बच्चा भिखारी गालियां ना दे मुझे, वो सामने से निकलता ही नहीं रहा। और अब देखो वीडियोज आ रही है, अकेला जा रहा है भाई साहब एयरपोर्ट पे, ना किसी से मिला, ना अमेरिकन लीडर से मिला, ना किसी यूरोपियन देश से मिला, किसी से नहीं मिला, किसी ने मुंह भी हमें नहीं लगाया। यार देख ले, किसी अमेरिकी डिप्लोमेट ने इसको मुंह नहीं लगाया, मिला ना बाइडन ना कोई। चलो बाइडन तो बहुत बड़ी चीज है ना, कोई आम मंत्री भी नहीं मिला बाबा। भाई साहब व्हाइट हाउस का चपरासी भी नहीं मिला भाई साहब, आप अंदाजा लगा लेते। ये हाल है हमारा, ये औकात है भाई साहब। और भाई साहब वो कहता है कि भाई साहब हमारे पीएम को कौन मुंह लगाता है। कहता है पहले तो हम पाकिस्तानी उसको मुंह नहीं लगाते, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करने गया, क्या घंटा करने गया। भाई यार पर्ची सामने रखी हुई थी, बात कश्मीर का 16 बारी जिक्र किया तो 12 बारी इंडिया का किया, मुसलमानों का 3 बार किया। भाई फटती है इंडिया के नाम से, ये बात कन्फर्म है भाई। देखो यूएन की स्पीच में साफ जाहिर हो गया कि पाकिस्तान कितना खौफ खाता है इंडिया से। और जो भारत की एक शेरनी ने आगे से रिप्लाई किया, हमारे हमारे पीएम को सामने बैठा के कहती कहती तुम अभी उंगली उठा रहे हैं, कहती है भाई साहब उसामा बिन लादेन तुमसे मिला, भाई साहब बड़े बड़े जो आतंकवादी है तुमसे निकले, हर गंदे काम के अंदर आपकी उंगलियां पाई गई। मतलब उसने ऐसी बातें बोली है। फिर हमारा शहबाज शरीफ क्या बोल रहे हो? बात तो सच्ची, हमने तो उनपे हमने तो इंडिया को टारगेट किया कश्मीर के नाम पर, लेकिन आगे से जब उसने हमें टारगेट किया ना तो हमारे उसने चीखड़े उड़ा दिए, उसने हमारे छोटे छोटे इंडियन ने टुकड़े किए और चीन को वो आगे खिला दिया। ऐसा हाल हुआ यार, ये 75 सालों से यही राग है कश्मीर का, बस और तुम्हारे पास मुद्दा ही कोई नहीं। वहाँ यूएन में जाते हैं बस यही चीज। सुनो हमारा पीएम बोलते है कश्मीर पे अगर इसराइल आ जाए तो वाक आउट, हमारे लोग बोलते हैं ये काम हमारे पीएम ने कितना अच्छा कर दी, ये नहीं पता सालों तुम्हारी बच रही है उस पर कोई बात नहीं करेगा। यार कोई टेक्नोलॉजी की बात कर, कोई अपने इन्वेस्टमेंट वो बात की बात कर, वो कारण वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ कटोरे की भीख है। तो भाई आपकी क्या तौर है भाई, जो हमारी इतनी गंदी बेइज्जतियां हो रही है जैसे ऐसे तो हम जाते ही नहीं। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।